हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कंपैरिजन लेकर आया हूं फॉक्स वैगन पोलो का टॉप मोस्ट वेरिएंट जीटी, जो कि ये गाड़ी देखिए फ्लैश रेड कलर में खड़ी हुई है राइट हैंड साइड पे, और ठीक एक उसके नीचे वाला वेरियंट हाई लाइन प्लस, जो कि ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ी है कैंडी वाइट कलर में। ये दोनों ही गाड़ी पेट्रोल इंजन में आती है, TSI यानी इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलेगा। लेकिन जो टॉप मोस्ट वेरियंट है वो सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक में आएगा, लेकिन हाई लाइन प्लस जो है ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक और इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। यानी ये कंपैरिजन उन लोगों के लिए हो गया जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं ऑटोमेटिक में लेने की, क्योंकि जो मैनुअल लेना चाहते हैं उनके लिए टॉप एंड तो बन गया हाई लाइन प्लस। तो आज के मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इन दोनों गाड़ियों में क्या है अंतर फीचर्स में और कितना है प्राइस में डिफरेंस। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में, जिसमें मैं सिर्फ आपको इन दोनों गाड़ियों के अंतर बताऊंगा, यानी क्या है डिफरेंसेस उसके बारे में बात करेंगे। अगर इन दोनों के कंप्लीट आप फीचर्स जानना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसमें आप चेक कर सकते हैं इनके बारे में सारी जानकारी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर में। तो ये दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से आपके सामने हैं, इनमें फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर बस खाली अगर हम जीटी की बात करेंगे तो ये देखिए बम्पर पे यानी जो उसकी रेडिएटर ग्रिल है, इसमें जीटी की मार्किंग आ गई, यानी इसमें बैजिंग दी हुई है। इसके बाद और कोई फ्रंट में डिफरेंसेस नहीं है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो सिर्फ एक डिफरेंस आपको मिलेगा, देखिए साफ दिख रहा है, इन दोनों गाड़ियों के आउटसाइड मिरर्स में। हाईलाइन प्लस जो है ये आती है बॉडी कलर्स के आउटसाइड मिरर्स के साथ, वहीं पे जीटी में जो है देखिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के स्पोर्टी जो है आउटसाइड मिरर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये निकला इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल में डिफरेंस। एक और छोटा सा डिफरेंस है, हालांकि उस सिर्फ मार्किंग का है। ये देखिए इसमें ये जीटी वेरिएंट में जीटी TSI, जो कि जीटी इसका वेरिएंट का नाम है और TSI इंजन है, तो उसकी भी मार्किंग देखिए सी पिलर पे दी हुई है। ऐसी कोई मार्किंग आपको नहीं मिलेगी इसके हाईलाइन प्लस में। तो दोस्तों, साइड डिफरेंस चेक कर लिए, चलिए चलते हैं इन गाड़ियों के रियर यानी बैक प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने। तो ये देखिए ये है इन दोनों गाड़ियों का बैक प्रोफाइल आपके सामने। बढ़ते हैं हम सबसे पहले हाईलाइन की यानी हाईलाइन प्लस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इधर तरफ पोलो की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी एक झलक आप देख लीजिए इस गाड़ी के कंप्लीट रियर प्रोफाइल को। स्पॉइलर देखिए इसमें इंटीग्रेटेड दिया हुआ है। बढ़ते हैं हम इस गाड़ी के जीटी की तरफ। तो दोस्तों, ये है जीटी का रियर प्रोफाइल आपके सामने। यहाँ पे देखिए जीटी की बैजिंग दी हुई है, हाईलाइन प्लस में जो है पोलो की मार्किंग थी, बट यहाँ पे जीटी की आपको बैजिंग मिलेगी इस वेरिएंट में। इसके अलावा स्पॉइलर जो है इसमें देखिए एक एडिशनल यहाँ पे लगा हुआ है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का, ये स्पॉइलर मिलेगा जो कि इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल को देखिए कितना स्पोर्टी बना रहा है। इवन अगर आप इसके एक्सटीरियर प्रोफाइल को जज करिए तो आउटसाइड मिरर्स भी जो हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिए हैं और स्पॉइलर भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दे रखा है, जो कि इस गाड़ी को देखिए कंप्लीट जो है एक्सटीरियर से स्पोर्टी बनाते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिए इन दोनों ही वेरिएंट्स के एक्सटीरियर में डिफरेंसेस। चलिए चलते हैं इनके इंटीरियर्स में डिफरेंसेस को ढूंढने, उससे पहले देख लेते हैं इनकी कीज़। सो दोस्तों, ये हैं इन दोनों ही वेरिएंट की कीज़ आपके सामने। इसमें अगर हम हाईलाइन प्लस की बात करेंगे तो देखिए इसमें दोनों रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली कीज़ आपको मिल जाएंगी, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर का बटन है, और ये देखिए फ्लिप की इसमें दी हुई है। वहीं पे जब हम बात करेंगे इसके जीटी की तो ये देखिए इसमें भी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली ये की मिलेगी, लेकिन दूसरी की जो है वो आपको इसमें मैनुअल मिलेगी। तो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं एक रिमोट की का और दोनों रिमोट कीज़ का। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ हाई लाइन प्लस के इंटीरियर को। तो करते हैं गाड़ी को अनलॉक और देखते हैं इसके इंटीरियर। तो ये देखिए ये है हाई लाइन प्लस का इंटीरियर आपके सामने। देखिए ऑल ब्लैक कलर का पोलो पे इंटीरियर आता है, डिज़ाइन आप चेक कर लीजिए। जो डिफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं ज़रा कर देता हूँ इसका इग्निशन ऑन। ये इसका अब एक बार ज़रा देख लीजिए इसकी ये झलक आगे साइड के इंटीरियर की, और एक बार चलते हैं हम इसके बैक साइड पे। तो ये देखिए ये है हाई लाइन प्लस। मैं एक बार क्विकली आपको इस गाड़ी का ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि
थोड़े सा आपको आइडिया भी लग जाए फीचर्स का, और एक झलक भी आप देख लीजिए। ये देखिए इस गाड़ी में अच्छी चीज़ है, जो लोग पीछे बैठेंगे तो उनके लिए देखिए यहाँ पे रियर एसी वेंट लगा हुआ है, तो पीछे जल्दी एसी की कूलिंग फील होगी इस रियर एसी वेंट से। और नीचे तरफ देखिए तो एक 12 वोल्ट का पावर आउट मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाता है हाई लाइन प्लस में। बाकी और चीज़ें देख लीजिए, मैं उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करूँगा जिसमें है डिफरेंसेस। आगे की तरफ भी देख लीजिए, यहाँ पे डोर पे इधर तरफ कुछ भी नहीं दिया हुआ है हाई लाइन प्लस में। इसके अलावा ज़रा एक बार मैं आपको इसकी सीटों के फैब्रिक को भी चेक करवा देता हूँ। इसे देखिए फैब्रिक मटेरियल में सीटें हैं और डिज़ाइन आप देख लीजिए हाई लाइन प्लस की। बैठे हैं हम पहले तो इसी में और एक झलक आपको दिखा देते हैं आगे साइड से। तो ये देखिए, ये है पोलो हाई लाइन प्लस का फ्रंट साइड का इंटीरियर आपके सामने देख लीजिए। इसमें आगे की तरफ देखिए, पीछे रियर एसी वेंट था और इस साइड पे देखिए एक आर्म रेस्ट भी है जो कि कंफर्ट बढ़ाता है। यहाँ पे आप हाथ को रख सकते हैं और ये देखिए सॉफ्ट दिया हुआ है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो अंदर तरफ इसमें बॉक्स मिल जाएगा और इसको उठाना चाहें तो ऐसे आप पूरा हटा सकते हैं। ये देखिए तो इस टाइप का एक फोल्डिंग फ्रंट में आर्म रेस्ट मिलेगा। इसके बाद म्यूजिक सिस्टम के सराउंड्स पे अगर आप ये देखिए इधर फिनिशिंग देखेंगे तो ये मून स्टोन फिनिश आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए ग्रे टोन कह सकते हैं उस फिनिश में, ये देखिए यहाँ पे है बट ये है ग्लॉसी। तो ये आपने देख लिया म्यूजिक सिस्टम दोनों गाड़ियों में सेम आता है, एसी ऑटोमेटिक दोनों में सेम मिलेगा। तो आपने एक झलक देख ली हाई लाइन प्लस की। अब चलिए चलते हैं डिफरेंसेस ढूंढने के लिए जीटी की तरफ। दोस्तों मैं आ गया पोलो जीटी के साइड पे और देखते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर को। तो ये देखिए, ये है इसका इंटीरियर आपके सामने, ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको इसमें मिलेगा। बस कुछ डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे देखिए इसकी सीट में। आपने देखा था हाई लाइन प्लस की सीट्स, उसकी डिज़ाइन अलग थी। इवन अगर फैब्रिक की क्वालिटी की बात करेंगे तो मुझे ये भी कुछ डिफरेंट दिख रही है। तो यहाँ पे डिज़ाइन एंड क्वालिटी डिफरेंट है जीटी की, ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। मैं ज़रा इसके इग्निशन को भी ऑन कर देता हूँ और देख लीजिए आगे साइड के पूरे इंटीरियर को इस साइड पे। मैं ज़रा पीछे की तरफ आ गया और देखता हूँ बैक सीटिंग। तो ये देखिए, ये है पोलो जीटी की बैक सीटिंग आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। हाईलाइन प्लस में आपने देखा था बैक में रियर एसी वेंट था और उसी के नीचे 12 वोल्ट का पावर आउट था, जो कि आपको जीटी वेरिएंट में नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे देखिए एक स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों गाड़ियों में बैक सीटिंग पे ये है बड़ा डिफरेंस। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बैक सीटिंग के भी देखिए मटेरियल और डिज़ाइन डिफरेंट है दोनों गाड़ियों में। चलिए बढ़ते हैं वापस आगे की तरफ और दिखा देते हैं। तो ये देखिए जीटी वेरिएंट पे यहाँ पे दिखाता हूँ जैसे हटा के, ये देखिए जीटी मार्किंग के साथ यानी जीटी टीएसआई, जीटी इस वेरिएंट का नाम हो गया, टीएसआई इसके इंजन का नाम है टर्बो चार्ज स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन। ये इसका टर्बो चार्ज इंजन का नाम दिया हुआ है, उसकी मार्किंग आपको इसकी डोर स्कफ प्लेट्स में मिल जाएगी। तो ये प्रीमियम क्वालिटी की स्कफ प्लेट्स आपको फ्रंट के दोनों डोर्स पर मिलेगी, जो कि मिसिंग है इसके हाई लाइन प्लस पे। तो यहाँ पर ये फीचर आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके बाद बैठे हैं हम जरा गाड़ी के अंदर और देखते हैं बाकी डिफरेंसेस को। तो ये देखिए, ये है पोलो जीटी का फ्रंट साइड का देख लीजिए इंटीरियर। इसमें देखिए रियर एसी वेंट नहीं है और ना ही इसमें कोई आगे की तरफ आर्मरेस्ट लगा हुआ है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको जीटी पे मिसिंग मिलेंगी और प्लस पॉइंट है इस जगह पे हाई लाइन प्लस का। इसके बाद यहाँ पे अगर म्यूजिक सिस्टम के सराउंड पे देखिए, फिनिश का भी डिफरेंस है। उसमें मून स्टोन फिनिश दिया हुआ था यानी ग्लॉसी ग्रे फिनिश था, वहीं पे इसमें देखिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी डिफरेंस है। बाकी ट्रांसमिशन दोनों में ही जब आप ऑटोमेटिक लेंगे तो सेम ऐसे ही ट्रांसमिशन मिलेगा और दोनों में ही सेम सेफ्टी फीचर्स आपको मिलेंगे डुअल एयरबैग्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इन दोनों गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस तो देख लिए, चलिए अब देखते हैं इनमें कितना है प्राइस में डिफरेंस।
सो दोस्तों, आपने फॉक्सवैगन पोलो का टॉप मोस्ट वेरिएंट जीटी एंड हाईलैंड प्लस के फीचर डिफरेंसेस चेक कर लिए। मोर और लेस दोनों में फीचर सेम है, किसी में कुछ ज्यादा है तो किसी में कुछ। चलिए देखते हैं कितना है प्राइस में डिफरेंस, तभी समझ में आएगा दोनों में कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्स शोरूम कॉस्ट की। हाईलैंड प्लस की 9,60,000 रुपीज, जीटी का है 9,99,900 रुपीज। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस निकल के आ रहा है 39,900 रुपीज का। ऑनरोड प्राइस हाईलैंड प्लस का है 10,94,257 रुपीज और जीटी का है 11,41,967 रुपीज। यहाँ पे जो मैंने दोनों के ऑनरोड प्राइस कैलकुलेट करे हैं ये यूपी के हैं और जो भी कंपलसरी चार्जेस मैंने इसमें ऐड किए हैं वो आप लास्ट लाइन में चेक कर सकते हैं। और ऑन रोड पे डिफरेंस निकल के आया 47,710 रुपीज का। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों गाड़ियों में अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात करेंगे तो जीटी महंगी है अराउंड 48,000 रुपीज से। तो प्राइस डिफरेंस भी आपने चेक कर लिया, जीटी कितनी महंगी है ये भी अब आपको पता लग गया। अब बात करते हैं देखिए कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। अगर हम दोनों में फीचर डिफरेंसेस चेक करेंगे तो जीटी में आपने देखा था आउटसाइड मिरर्स पियानो ब्लैक फिनिश के थे और रियर स्पॉयलर भी जो है वो भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया है। ये दोनों चीजें जीटी को आउटसाइड से यानी एक्सटीरियर से स्पोर्टी बना देती हैं। वहीं पे जब आप इसका फ्रंट डोर ओपन करेंगे तो डोर इसका प्लेट्स आ जाएगी जीटी टीएसआई की मार्किंग के साथ, ये भी कह लीजिए कुछ हद तक स्पोर्टी लुक देती है और इसके इस पोर्शन को प्रोटेक्ट भी करती है। साथ में अगर हम फिनिशिंग की बात करेंगे तो फ्रंट सेंटर कंसोल पे पियानो ब्लैक फिनिश है जीटी पे और जो फैब्रिक दिया हुआ है अपोस्ट्री है सीटों की वो कुछ डिफरेंट है हाईलैंड प्लस से। वहीं पे जब बात करते हैं हाईलैंड प्लस की तो हाईलैंड प्लस में पीछे रियर में एसी वेंट मिल जाएगा जो कि काफी बड़ा प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के लिए। उसी के नीचे एक रियर पावर आउटलेट भी मिल जाएगा, फ्रंट में आर्मरेस्ट विद अ स्टोरेज बॉक्स दिया हुआ है। तो ये पूरा सेट मिसिंग है जीटी वेरिएंट में। वहीं पे जब रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आपने दोनों गाड़ियों की देखी थी तो हाईलैंड प्लस में दोनों रिमोट की जाती हैं, वहीं पे जीटी में एक रिमोट की है दूसरी मैनुअल की है। तो दोस्तों जब यहां पे आपने दोनों गाड़ियों के फीचर्स एंड प्राइस को चेक किया तो मेरे हिसाब से हाईलैंड प्लस जो है वो वैल्यू फॉर मनी है, वहीं पे जीटी एक ब्रांड वैल्यू है इस वजह से उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। एक चीज आपने और नोटिस करी होगी, मैंने जो वेरिएंट हाईलैंड प्लस चूज किया था वो मैनुअल ट्रांसमिशन था, कंफ्यूज मत होइएगा। मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक में फीचर सेम है, सिर्फ ऑटोमेटिक में दो सेफ्टी फीचर्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट कंट्रोल उसमें एक्स्ट्रा दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। इसी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया, कंपैरिजन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आपने मेरा एनालिसिस तो देख लिया, मेरे हिसाब से हाईलैंड प्लस बेटर है और ब्रांड वैल्यू है जीटी। तो अब आप बताइए, आप अगर पोलो परचेस करते हैं तो कौन सा वेरिएंट पे जाते, टॉप मोस्ट वेरिएंट आप जीटी परचेस करेंगे या हाईलैंड प्लस, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर। हमारा ये एफर्ट यानी मैं दो वेरिएंट्स को अगल बगल खड़ा करके आपके सामने मैं कंपेयर कराता हूं उनके फीचर से और प्राइस से, जिससे आपके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाए कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट सुटेड है। ये एफर्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि कोई मैं जैसे इस तरीके का और वीडियो आपके सामने लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।